ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 28 नवंबर रविवार आज के मिथुन राशि फल के बारे में। आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों आज आपके स्वभाव में बहुत ही सतर्कता देखने को मिलेगी। कोई बड़ा फैसला लेते समय बहुत सावधानी रखेंगे क्योंकि आप पहले से भी काफी चोट खा चुके हैं। आज आपकी सोच और प्लानिंग स्पष्ट रहेगी और साथ ही आपकी कल्पना शक्ति का भी विस्तार होगा। आज आपको कुछ अलग अलग तरह के अनुभव होंगे और कई दिनों से घर में चली आ रही समस्या आज सुलझ सकती है। बच्चों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। जीवन साथी से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करने का विचार बनाएंगे, इसका आपको भविष्य में बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ आज धैर्य और संयम बनाकर रखने की जरूरत होगी। किसी नजदीकी से चल रहा मनमुटाव भी समाप्त होगा और बच्चों को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। साथ ही धन खर्च का भी योग बन रहा है। आज धन तो आएगा मगर उतना नहीं जितने आपने सोचा था। आज आप कोई भी फैसला लें बेहतरीन ढंग से लें, मन में शांति रहेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा। कभी कभी ऐसा महसूस होगा सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। कुछ समय आध्यात्मिक कार्यों में भी व्यतीत करें। नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे परंतु चिंता ना करें, इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आर्थिक मामलों के बजट पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए आप अपने संपूर्ण संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, अन्यथा डील आपके हाथ से निकल जाएगी। किसी बड़े अधिकारी से आपकी मुलाकात सफल रहेगी। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है। लोगों के साथ व्यवहार करते वक्त सावधानी रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकी आएंगी। पति और पत्नी मिलकर घर में चल रही किसी समस्या का हल निकाल लेंगे। प्रेम प्रसंगों के उजागर होने का खतरा है, बना हुआ है, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी रखें। स्वास्थ्य में हल्की बहुत गिरावट हो सकती है। थोड़ी सावधानी और मेडिटेशन आपको स्वस्थ रखेगा। और अधिक स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, मछलियों को या चींटियों को आटा डालें और सूर्य देव को जल अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय सूर्य देव से लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।